खबर भोपाल से है। भोपाल में डॉक्टर पति की मौत का सदमा प्रोफेसर पत्नी बर्दाश्त नहीं कर पाई और 1 घंटे बाद ही महिला ने भदभदा ब्रिज से कूदकर अपनी जान दे दी। ब्रेन हेमरेज से पति की मौत के बाद उन्होंने अस्पताल में डॉक्टर से कहा था कि अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। यह कहकर वह अस्पताल से निकली और भदभदा ब्रिज पहुंच गई, जिसके बाद मंगलवार को पति पत्नी की एक साथ अर्थी उठी। डॉक्टर पराग पाठक भाभा मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थे। 28 अप्रैल को सुबह 9 बजे डॉक्टर पाठक की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। तब उनकी असिस्टेंट प्रोफेसर पत्नी प्रीति झारिया ने पति को पानी पिलाया। इसके बाद वे उन्हें अरेरा कॉलोनी स्थित नेशनल हॉस्पिटल लेकर पहुंची। यहां बताया गया कि ब्रेन हेमरेज की वजह से उनकी हालत क्रिटिकल है। दूसरे दिन सर्जरी के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। 2 मई की रात करीब 2 बजे डॉक्टर ने प्रीति को बताया कि उनके पति पराग की मौत हो चुकी है। ये सुनकर बदहवास प्रीति ने बड़े भाई को फोन किया। यह सुनकर दोनों भाई राजेंद्र कुमार झारिया, राजेश कुमार झारिया अस्पताल के लिए निकले। इसी बीच प्रीति ने डॉक्टर से कहा कि अब उनके जीने का कोई मतलब नहीं है, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, भदभदा ब्रिज जा रहे हैं खुदकुशी करने। यह कहकर वह कार से भदभदा की ओर निकल गई। अस्पताल पहुंचे भाइयों को डॉक्टर ने पूरी बात बताई और सभी उनके पीछे भदभदा की ओर गए। जब तक वे पहुंचे, प्रीति छलांग लगा चुकी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाल लिया है। जबलपुर की रहने वाली प्रीति भोपाल में नरेला कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थी। उनकी शादी 4 साल पहले हुई थी। दोनों की संतान नहीं थी। डॉक्टर पराग पाठक के पिता हरिवंश पाठक डिप्टी कलेक्टर रहे हैं, उनका निधन हो चुका है। जबकि पराग की मां शोभा पाठक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। वह बहु बेटे के साथ रहती थी। बेटे की तबीयत बिगड़ने के बाद वह बहु के साथ अस्पताल में रहती थी। मंगलवार रात को वह भी बहु के साथ थी। बेटे के मौत के बाद भी अस्पताल में ही बिलखती रही। इस बीच बहु कार लेकर चली गई।